नेटो के खिलाफ पुतिन का वॉर प्लान तैयार हो चुका है। ये सवाल इसलिए क्योंकि उनके सबसे करीबियों में शुमार रमजान कादिरोव ने रूस के 31 देशों को सबक सिखाने का ऐलान किया है। कमांडर कादिरोव ने अपने बॉस को यूक्रेन को मिट्टी में मिलाने की सलाह दी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कादिरोव को अब यूक्रेन के बाहर नेटो देशों से युद्ध का भी टेंडर मिल गया है। यूक्रेन पर अब तक जो हमले हुए वो कठोर थे, लेकिन अब जो हमले होंगे वो बहुत क्रूर होंगे। मई में ही दूसरी बार मॉस्को में ड्रोन अटैक से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आक्रोश 7वें आसमान पर पहुंच गया है, तो उनके वफादार उनसे भी ज्यादा खूंखार हो चुके हैं। सबसे ज्यादा गुस्से में पुतिन के दो बेहद करीबी वफादार हैं। इनमें से एक चेचन कमांडर रमजान कादिरोव है और दूसरे वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन। वैगनर चीफ ने तो आदत के मुताबिक रूस के रक्षा मंत्रालय और सेना को बुरा भला सुनाना शुरू कर दिया है, जबकि चेचन कमांडर ने मॉस्को पर हमले का बदला नेटो से लेने की कसम खाई है। कादिरोव यूक्रेन में युद्ध के पहले साल ही पुतिन को मारियुपोल के तौर पर बड़ा तोहफा दे चुके हैं, जबकि प्रिगोजिन ने इसी साल 9 महीने चले लंबे युद्ध के बाद बखमूत फतेह कर अपने बॉस की मुराद पूरी की है। वैगनर चीफ ने बखमूत में युद्ध को बहुत लटकाया और भटकाया, काफी नुकसान उठाया, गोला बारूद गंवाया। ऐसे में अब पुतिन ने एक बार फिर कादिरोव पर भरोसा जताया है। रूस के राष्ट्रपति ने चेचन कमांडर को यूक्रेन में नया टारगेट क्या दिया है, आपको आगे बताएंगे। अभी आप मॉस्को में ड्रोन हमले से गुस्से में लाल कादिरोव की सबसे नई और खतरनाक धमकी देखिए। कादिरोव ने कहा है मॉस्को में हमले का जवाब कठोर नहीं बल्कि क्रूर होना चाहिए। रूस में मार्शल लॉ लागू होना चाहिए। अब एक बार में यूक्रेन के सारे आतंकियों का सफाया होना चाहिए। युद्ध को अब नेटो की दहलीज तक ले जाने की भी जरूरत है। कादिरोव ने यूक्रेन की सरकार को नाजी और तानाशाह करार दिया है। पुतिन के इस बेहद करीबी वफादार ने अब यूक्रेन और उसके मददगारों के उन ठिकानों पर हमले की सलाह दी है जहां बैठकर नेटो के नेता रूस को तोड़ने के ख्वाब देखते हैं। ऐसे में अब सवाल ये कि क्या यूक्रेन में बरसते रॉकेटों और मिसाइलों का रुख नेटो देशों की तरफ भी मुड़ सकता है, क्योंकि कादिरोव ने अपनी जुबान से सीधे तौर पर नेटो के 2 देशों का नाम तक लिया है। ये देश हैं जर्मनी और पोलैंड। ऐसे में अब सवाल ये भी है क्या रूस की मिसाइलें सीधे बर्लिन और वारसा को निशाना बनाएंगी। पुतिन के खिलाफ ज़ेलेंस्की बीते 15 महीने से युद्ध के मैदान में टिके हैं। ऐसा नेटो देशों के हथियारों के बूते ही मुमकिन हुआ है। हालांकि रूस के हथियारों के मुकाबले यूक्रेन को दान में मिले हथियार नाकाफी साबित हो रहे हैं। लेकिन पलटवार की हिम्मत के पीछे नेटो के ये हथियार ही हैं। यही वजह है कि पुतिन के खास कादिरोव ने अब सीधे नेटो देशों को सबक सिखाने का ऐलान किया है। अगर कादिरोव का ऐलान हकीकत में बदला तो रूस की मिसाइलें सबसे पहले नेटो के उन 6 देशों को निशाना बना सकती हैं जिनकी सरहद रूस से लगती है। ये देश हैं नॉर्वे, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, लिथुआनिया और फिनलैंड। नेटो के ये देश पुतिन के रडार पर पहले से हैं, लेकिन अब अगर कादिरोव की चेचन सेना इन देशों में घुसी तो युद्ध का मंजर बेहद खौफनाक हो सकता है। पुतिन भी मॉस्को में हुए ड्रोन हमलों को आतंकी वारदात बता चुके हैं। ऐसे में जाहिर है इसका जवाब यूक्रेन को बहुत महंगा पड़ सकता है। запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям. Это, конечно, явный признак террористической деятельности. Ну, во-первых, хочу сказать, что система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно, хотя есть над чем работать. दावे के मुताबिक पुतिन ने अब यूक्रेन की युद्ध नीति में थोड़ा बदलाव किया है। उन्होंने चेचन कमांडर कादिरोव को पूरे डोनेस्क में रूस का झंडा लहराने का टास्क दिया है। डोनेस्क के ज्यादातर इलाकों में वैसे भी रूस का ही कब्जा है, लेकिन कई हिस्सों पर अब भी यूक्रेन की सेना डटी हुई है। ऐसे में बखमूत की तरह पूरे डोनेस्क को रूस में शामिल करने का काम अब कादिरोव को सौंपा गया है। इससे पहले कादिरोव की सेना ज़ापोरिज़िया और खैरसोन में भी तैनात है, लेकिन कादिरोव है कि उसे डोनेस्क की छोटी चुनौती नहीं बल्कि सीधे लंदन और पेरिस से टकराना पसंद है। ऐसे में सवाल ये कि क्या कादिरोव की मंशा के मुताबिक पुतिन चेचन आर्मी को यूक्रेन के बाहर नेटो को सबक सिखाने का जिम्मा भी सौंपेंगे। कादिरोव क्या चाहता है आपने ये देख लिया। अब आपको वैगनर जीप का गुस्सा दिखाते हैं, जो मॉस्को में ड्रोन हमले के बाद यूक्रेन से ज्यादा रूस की सेना और रक्षा मंत्रालय से ही नाराज है। По поводу беспилотников, которые летают над Москвой и в Москве. Твари вонючие, вы что творите? Вы скоты, отрывайте свои сраки из кабинетов, в которых вас посадили, защищать эту страну. Вы являетесь Министерством обороны. Вы не сделали ни хера для того, чтобы наступать. Какого хуя вы допускаете прилета? प्रिगोजिन की प्राइवेट आर्मी बखमूत जीतने के बाद रूस लौट चुकी है, लेकिन बखमूत की जंग में जिस तरह से वैगनर चीफ ने रूस के रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ को निशाना बनाया, गाली गलौज की, उसके बाद से ऐसा लगता है जैसे प्रिगोजिन ने पुतिन का भरोसा खो दिया है। यही वजह है कि वैगनर ग्रुप को बखमूत के आगे युद्ध के मोर्चे पर भेजने के बजाय पीछे लौटा लिया गया। वैसे कादिरोव और प्रिगोजिन तो बस मुखौटे भर हैं। पुतिन के तर्कश में ऐसे कई तीर और हैं जिन्हें अगर इस्तेमाल किया गया तो यूक्रेन का युद्ध आखिरी अंजाम तक पहुंच सकता है। रूस के मुताबिक यूक्रेन ने पहले पुतिन के दफ्तर और अब घर को उड़ाने की नाकाम कोशिश की है। ऐसे में उसे इसका सबसे भीषण और भयंकर अंजाम भी भुगतना होगा।